वेलकम बैक गाइस, एक और लेटेस्ट टॉपिक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी लाइफ कंडीशन के बारे में जहां पर कपल्स का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेंशन होता है नो जेस्टेशनल सेक्स सीन। तो इस जेस्टेशनल सेक्स सीन के ना दिखने का कारण क्या होता है और ये जेस्टेशनल सेक आखिर होता क्या है, क्यों आपको प्रेगनेंसी नहीं दिखाई दी अल्ट्रासाउंड कराने पर जबकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है वो पॉजिटिव है। फिर आपको सलाह दी जाती है कि भाई आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराओ 11 दिन या 14 दिन के बाद में। कई बार आपको हॉर्मोन्स की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन में हॉर्मोन्स की दवाइयाँ लेना सेफ होता है कि नहीं होता है, और आगे आपको अगला स्टेप क्या लेना चाहिए कि आपके डॉक्टर आपको सही गाइड कर रहे हैं। इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव कब आता है। तो देखिए, हर महिला की अंडेदानी से एक अंडा हर पीरियड साइकिल में रिलीज होता है, ये आप लोगों को पता होगी अगर आप पिछली वीडियोस को अच्छे से देखते आए हैं। तो मान के चलें कि अगर 30 दिनों का पीरियड साइकिल है किसी भी महिला का, तो लगभग 14 से 16 दिन के आसपास पे जो अंडा है वो रिलीज होता है। इस बीच अगर फिजिकल रिलेशन होता है तो अंडा जो है वो फर्टिलाइज होता है, और फिर ये फर्टिलाइज अंडा लगभग 7 से 9 दिन के बाद बच्चेदानी के अंदर जाता है, वहाँ पर ये इम्प्लांट होता है, और इम्प्लांट होने के बाद ये एक हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसे बीटा एससीजी हार्मोन कहते हैं। तो जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आप करते हो, ये टेस्ट कार्ड बीटा एससीजी हार्मोन को पता लगाने का काम करते हैं। जब आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपका जो फर्टिलाइज अंडा है वो यूट्रस के अंदर बच्चेदानी के अंदर जाकर इम्प्लांट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो आपको डॉक्टर बताते हैं कि भाई प्रेगनेंसी तो नहीं है। अब प्रेगनेंसी ना होने का एक मुख्य कारण तो ये हो सकता है कि शायद आपने जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड यूज़ किया, हो सकता है कि वो एक लोकल ब्रांड कंपनी का हो सकता है कि वो एक्सपायर हो, या हो सकता है कि आपने गलत तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट किया हो, या हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ दी गई जो कि खुद प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एससीजी की होती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए बीटा एससीजी के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो अगर आप इंजेक्शनों को लेते हैं तो प्रेगनेंसी ना होने के बावजूद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में प्रेगनेंसी शो होगी, उसमें आपको 2 लाइन शो होगी। अगली कंडीशन होती है भाई जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, जैसे कि PCOD PCOS की कंडीशन में जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं जो कि दिमाग से रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, उनमें फ्लैक्चुएशंस के कारण आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो आपको फेक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है प्रेगनेंसी ना होने के बावजूद। इसके अलावा अगर किसी फीमेल की 35 साल से ज़्यादा की उम्र हो जाती है तो फिर उनके लो AMH लेवल होने के चांसेस रहते हैं। AMH का मतलब होता है एंटी मुलेरिंग हार्मोन। जब इसका लेवल कम हो जाता है तो भी आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट फेक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। अगली कंडीशन होती है कि भाई आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया और आप 1-2 घंटे के बाद टेस्ट कार्ड को देखते हो तो वो आपको एक इवेपोरेटेड लाइन शो करता है, और इसको कभी कभी कपल्स हैं इसको अपना पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट मान लेते हैं, और जब वो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो उनको प्रेगनेंसी होती नहीं है इन केसेस में, और फिर डॉक्टर आपको बताते हैं कि भाई प्रेगनेंसी नहीं है और नो जेस्टेशनल सेक्स सीन करके आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दी जाती है। इसके अलावा कभी कभी आप कंसीव भी कर जाते हो लेकिन जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण, या अंडे की क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण, या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण, या फिर जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण जो प्रेगनेंसी है वो खराब हो जाती है, जिसे मिसकैरेज बोलते हैं। तो अगर ये जो मिसकैरेज है बहुत ही कम दिनों पर होता है तो कुछ टाइम तक जो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं होता है।
और कुछ समय के बाद आपका पीरियड भी आ जाता है। वहीं दूसरी कंडीशन होती है एप्टोपिक प्रेगनेंसी की, जो कि सामान्य कंडीशन से बिल्कुल विपरीत होती है, जहां पर प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर ग्रो ना होकर बच्चेदानी के बाहर फैलोपियन ट्यूब, अंडेदानी में, बच्चेदानी के मुंह में या पेट के किसी भी भाग में इम्प्लांट हो जाती है और धीरे धीरे ग्रो होती है। ऐसी कंडीशन में जब आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो जो बच्चेदानी है उसके अंदर प्रेगनेंसी कोई प्रोसेस दिखाई नहीं देती है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जहाँ पर आपको प्रेगनेंसी ना होने के बावजूद या कुछ एबनॉर्मेलिटी होने के कारण आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराने पर आपको प्रेगनेंसी की कोई प्रोसेस नहीं दिखाई देती है। अब करना क्या चाहिए? यूजली आपके डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप या तो 11 दिन के बाद या 14 दिन के बाद एक दोबारा से अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। और कुछ डॉक्टर जिनसे आप कंसल्ट करें, जैसे कि आपके गायनोकोलॉजिस्ट, वो आपको एक ब्लड टेस्ट के बारे में एडवाइस देते हैं कराने के लिए, जिसे बोलते हैं बीटा एसीजी क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट। अब इस ब्लड टेस्ट की कंडीशन क्या होती है कराने की और ये क्यों कराया जाता है? देखिए, जो बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट है, इसमें आपको प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एसीजी की वैल्यू मिल जाती है। अगर बीटा एसीजी की वैल्यू 1800 मिली इंटरनेशनल यूनिट तक आती हैं या उससे अधिक आती हैं, तो आपके डॉक्टर आपको योनि मार्ग से एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए सलाह देते हैं, जिसे TVS अल्ट्रासाउंड या ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी बोलते हैं। और आपने ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड भी कराया और आपको प्रेगनेंसी की कोई प्रोसेस नहीं दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो या कुछ ऐसी दवाइयां आप ले रहे हो जिनके कारण आपको जो है बीटा एसीजी की फेक वैल्यू मिल रही हो, जिसे केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। या अगला कारण हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हुआ हो और जो बीटा एसीजी है वो अभी भी आपके शरीर में है, जिसके चलते आपको बीटा एसीजी 48 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट कराना होता है। और दोनों ही ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि भाई जो बीटा एसीजी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या फिर उतनी ही है। तो ऐसी कंडीशन के लिए बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट बहुत ही सहायक होता है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।